हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 7 मैथमेटिक्स की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत आसान सी वर्कशीट है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और जल्दी जल्दी आप अपना काम कर सको। सो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स की जो डिवीज़न है वो हम कैसे करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द इंटीजर्स, -2, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए, नाउ ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स पे ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज़ डिवीज़न, क्लियर है। तो डिवीज़न जो है वो हम इंटीजर्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। और डिवीज़न का इन्वर्स क्या होता है, डिवीज़न का इन्वर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। डिवीज़न का इन्वर्स ऑपरेशन क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। आपको याद रखना है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न, दैट इज़ मल्टीप्लीकेशन, एंड व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज़ डिवीज़न, ठीक है। तो इसको हम यहाँ इस तरह से अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग डिवीज़न स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, -15, ठीक है। -15 को अगर आप भाग करते हो -5 से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा यहाँ पे 5 3 15, तो यहाँ पे आंसर आपको 3 मिलेगा। और दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आपका +3 आने वाला है, क्लियर। तो आप ऐसे करेंगे ना, ये देखिए -15 को -5 से करेंगे, माइनस से माइनस और 5 3 15, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे आप, नेक्स्ट आपको दिया गया है 77 को आपको डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो 11 7 जा 77, तो आपका आंसर किस में आया, माइनस में आया, -7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 24 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 6 जा कितने हो गए, 6 हो जाएगा, 6 आपका आंसर आएगा। अब अगर हम इसको इन्वर्स ऑपरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे, देखिए यहाँ पे अभी आपने जब किया है तो इसमें आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिए जब आपने 15 को माइनस से 5 से डिवाइड किया तो आपको 3 मिला। अब अगर आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -15 ही आंसर मिलेगा, जो कि हमने जिसको हमने -5 से डिवाइड किया था, ठीक है। इसी तरह आप -11 को -7 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, देखो -11 इसको आपने मल्टीप्लाई किया -7 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 11 जो है 7 जा 77 हो जाएगा, और आपका आंसर प्लस में आएगा। इसी तरह देखिए 6 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और 24 आएगा। तो यानी हो गया ना, हमने यहाँ पे डिवीज़न किया और यहाँ पे हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया। तो इससे प्रूव होता है कि जो इन्वर्स ऑपरेशन है डिवीज़न का वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ से जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे व्हेन, लेट्स रिकॉल व्हेन देयर आर ओड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी अगर नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो ओड हैं, जैसे प्लस माइनस एक ही है यहाँ पे, तो ये आंसर किस में आएगा, आपका आंसर जो है वो माइनस में आता है। इसी तरह अगर आपके पास माइनस है, देखो 3 माइनस है ना, तो भी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्लियर। तो यानी अगर आपके पास ओड नंबर नेगेटिव हैं तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा किस में आएगा बच्चों, व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, वो उससे डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर है। तो आंसर हमेशा हमारा, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस ट्रायंगल के बेस पे कुछ नीचे आपको टास्क करने को दिया गया है। इसमें सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द ट्रायंगल अबव एंड कलर ईच ब्लॉक बेस्ड ऑन द राइट आंसर। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं,
और जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे उसका जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा आंसर उसका ठीक है, और उस जो ट्राइंगल बनेगा जिसमें भी जिसका भी आपने आंसर निकाला है उसमें आपको पर्टिकुलर यहाँ पे जो कलर दिया गया है वो कलर उसमें आपको करना है। जैसे कि देखिए सबसे फर्स्ट वाला हम देखते हैं 125 को 25 से डिवाइड किया गया, तो 125 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5। क्लियर, तो 5 आंसर ए में है, तो ए जो है ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कलर द ब्लॉक येलो, अब आपको इसको येलो कलर जो है इसमें करना है आपको, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर देंगे, इसमें जो है आप कंप्लीट ट्राइंगल में येलो कलर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर आप येलो कलर फिल कर देंगे, ओके, ऐसे करके येलो कलर फिल कर दिया, ठीक। अब देखिए सेकंड क्या दिया गया है, अब ये है आपके पास सेकंड वन, सेकंड वन में 369 है, इसको डिवाइड किया गया है 9 से। तो जब आप बच्चों 369 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस है। अब ये ओड नंबर नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी आपका किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर आता है, तो देखिए 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा, ठीक है, कलर चेंज करके लिखेंगे, 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9, तो -41 आंसर आया। -41 देखते हैं आपका कहाँ पर है, तो डी जो है आंसर है आपका -41। तो कलर द ब्लॉक रेड, तो अब जो ये कलर ये ब्लॉक जो है आपको कैसा कर देना है, आपको ये वाला ब्लॉक जो है इसके अंदर आपको रेड कलर कर देना है। तो इस तरह से बना के जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई है इसके अंदर आपको ऐसे रेड कलर फिल कर देना है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या गया है, -30 को आपको 3 से जो है भाग करना है, तो 3 को जो है कितना आ गया, -10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे घटा का जो है माइनस का साइन है ना, तो आंसर आ जाएगा -10, क्लियर। तो -10 देख लीजिए, एफ यानी कलर द ब्लॉक पिंक, अब आपको इसमें कौन सा कलर कर देना है, पिंक कलर इसमें कर देना है। तो एग्जैक्ट पिंक कलर हमारे पास नहीं है, बट हम इसमें कौन सा कर देंगे, ये वाला कलर, ये पिंक कलर जो है आपको इसमें कर देना है, डार्क पिंकिश मेजेंटा कलर हो जाएगा ये, क्लियर। तो ये जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, -100 को आपको 10 से डिवाइड करना है, तो ये भी 10 10 जा हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, -10 आएगा, -10 यानी एफ वाला ही आंसर आएगा, -10। तो इस ब्लॉक को भी आपको क्या कर देना है बच्चों, पिंक कलर ही कर देना है। तो दो ब्लॉक आपके पिंक कलर के हो जाएंगे, ठीक है, 3rd एंड 4th दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे, पिंक कलर के। नेक्स्ट देखते हैं 5th वन, 68 को -17 से डिवाइड कर देना है, तो 68 को -17 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा आपका -4। आप करके देख लीजिए 68 को आपको -17 से, तो 17 चौक क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 17 4 जा 68, क्लियर। तो 17 4 जा 68 और आंसर आपका आ गया -4। तो -4 देखिए जी कलर द ब्लॉक पर्पल, अब आपको इसमें पर्पल कलर कर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें पर्पल कलर कर देंगे, क्लियर। -4 आंसर आया ना, क्योंकि एक ही माइनस है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, तो ये आप कलर इसमें कर देंगे। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।